स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। ठीक है, आज झारखंड के व्यक्तित्व परिचय का पार्ट 7 लेके आया हूँ। ये तीन महापुरुषों के बारे में हम लोग अभी पढ़ाई करेंगे और सारे इसके फैक्ट जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सिंगरायमान की, बिंद्रायमान की, सुरगा मुंडा। ठीक है दोस्तों, इससे पहले जो मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ 6, उसे भी देख लीजिए ताकि आपको क्रमवार सारा ज्ञान मिलता रहे। देखिए इनको बड़े बारीकी से देखिएगा, ठीक है, कंफ्यूजिंग है थोड़ा। चलिए कंफ्यूजन भी मैं दूर कर दूंगा आपका। देखिए सबसे पहले दो बार मानकी यूज हो गया, ये मानकी का मतलब पहले समझ लीजिए। जो मुंडाओं में जातीय पंचायत होते हैं ना, उसमें गांव के प्रधान, एक गांव के प्रधान जो होते हैं, गांव के प्रधान को मुंडा कहते हैं, ठीक है। और महापंचायत, जिस तरह खाप महापंचायत बहुत सारे गांव को मिला के खाप बनता है, ठीक, उसी तरह का महापंचायत इन लोग को 7 से 12 गांव मिला के पीर कहा जाता है, ठीक है, जैसे खाप बोलते हैं उसको, उसी तरह इसको पीर बोलते हैं, ठीक है। तो गांव का प्रधान मुंडा और पीर का प्रधान जो होता था मानकी। तो मानकी का काम है कि 7 से 12 गाँव का शासन व्यवस्था को देखना। तो शासन व्यवस्था ऐसे थोड़े ना देखा जाए, कुछ टैक्स कलेक्शन भी होता है, कुछ पैसे गिफ्ट भी मिलेंगे, ये मतलब उच्च पद है। और मुंडा जो होते हैं गांव के पर, एक गांव के शासन व्यवस्था को देखते हैं। तो ये सिंगराय मानकी, ये भी एक मानकी था, 7 से 12 गांव में के बीच का मालिक होगा, और बिंदराय भी 7 से 12 गाँव का मालिक होगा। तो ठीक है, मानकी का मतलब आप समझ गए। अब हम लोग चलते हैं मेन फैक्ट के ऊपर कि इन लोगों का स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान है, कितने फाइट किए, ठीक है। देख लीजिए इन लोग तीनों का रिलेशन है कोल विद्रोह से, ठीक है, कोल विद्रोह से। कोल विद्रोह 1831-32 में शुरू हुआ था, ठीक है। कोल मतलब होता है दोस्तों आदिवासी, ये नहीं कि कोल जन, यहाँ पे कोल जनजाति, कोल सब है, हो भी है, उड़ाव भी है, खरवार भी है, कोल मतलब आदिवासी। तो सारे आदिवासियों का विद्रोह था। कोल एक ट्राइब्स भी है जो संथाल परगना एरिया में पाया जाता है, लेकिन उस कोल से, इस कोल से का कोई लेना देना नहीं है। देखिए इस कोल का कारण, मेन जो फाइटर है कोल विद्रोह का, यही तीनों है। देखिए फाइट कैसे शुरू हुआ वो समझना पड़ेगा, पहले बैकग्राउंड समझना पड़ेगा, तब जाके आप ये तीनों के बारे में समझ सकते हो। देखिए कोल विद्रोह में होने का कारण था उच्च लगान, बहुत सारे लगान टैक्स कर दिए थे, शोषण, जमींदार, ठेकेदार, राजा, कंपनी, सरकार, जो सरकारी कर्मचारी थे सब शोषण करने में लगे थे। उसके बाद पदचुई टैक्स, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पदचुई टैक्स क्या था, इन लोगों का जो हड़िया होता है, हड़िया जो चावल को फर्मेंटेशन करके शराब बनाया जाता है उसे हड़िया कहते हैं, उस पर पदचुई टैक्स लगा दिया था। और ये हड़िया सिर्फ पीने का ही साधन नहीं है आदिवासियों में, आदिवासियों में इसे धार्मिक मान्य, धार्मिक चीज़ से जुड़ा हुआ है इसका। जैसे इन लोग अपने जो प्रधान देवता सिंगबोंगा है या जो भी प्रधान देवता है उनको चढ़ाते हैं तपान के रूप में, इसलिए धार्मिक है। इस पर भी टैक्स लगा दिया तो लोग परेशान रहने लगे, बहुत सारे कारण थे। उसके बाद इनके जो पहाड़ा पंचायत थे, मुंडा मान की पहाड़ा पंचायत हो गए, मुंडा शासन व्यवस्था हो गई, इन लोग का अलग न्यायालय था, तुरंत ऑन द स्पॉट्स न्याय दिया जाता था। लेकिन अब न्यू न्यायालय खुल गया था, न्यू न्यायालय खुलने से इन लोग तो अंग्रेजी समझेगा, न्यायालय की भाषा अंग्रेजी या हिंदी थी, वकील ठगने में लगेगा, जज तारीख पे तारीख देगा, इस तरह इन लोग न्याय व्यवस्था ख़त्म हो गया था इन लोगों के लिए। और इससे पहले पंचायत जो भी थे, ठेकेदार, महाजन, सरकारी कर्मचारी, वहाँ के लोकल राजा सब परेशान करते थे, जिसको न्याय ही नहीं मिल पाता था। ये सब चीज़ों के कारण एक बारूद जमा हुआ, ठीक है, बारूद में आग लगाया एक घटना, जिस घटने को कहा जाता है कोल विद्रोह का तात्कालिक कारण, वेरी इंपॉर्टेंट। तात्कालिक कारण क्या, जमीन हड़पने लगा, जमीन हड़पना टैक्स था, तब तक तो इन लोग चल रहा था ठीक ठाक, किसी तरह बर्दाश्त कर रहा था, और ये भी चल रहा था स्त्रियों को हड़पना, स्त्रियों को हड़पना, और ये तो छोड़िए आदिवासियों के, स्त्रियों को भी हड़पने का सिलसिला चालू हो गया। तो ये हो गया इसका तात्कालिक कारण। ये सब 5-4 वजहों से बारूद जमा हुआ, ठीक है, और तिल्ली लगाया ये जमीन हड़पना और स्त्रियों को हड़पना।
जमीन हड़पना कुछ हद तक बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन जब स्त्रियों को हड़पना शुरू हुआ तब जाके बम ब्लास्ट हुआ और कोल विद्रोह शुरू हुआ। कोल विद्रोह मतलब सारे जनजाति जितने उस एरिया में, चेरो, खरवार, मुंडा, हो, उड़ाव, सब मिल गए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिए और अंग्रेजों का हालत ख़राब कर दिया था। कुछ देर के लिए अंग्रेजों का हालत ख़राब कर दिया था, ये भी तो पता है कि तीर धनुष कितने देर तक तोपों और गोलियों के सामने टिकेगा, मगर इन लोगों ने जो बहादुरी की मिसाल कायम की और इतनी जितनी इन्होंने बहादुरी की मिसाल कायम की उतनी ही आसानी से इतिहास में गायब भी हो गए। चलिए अब कितने गाली दूँ इतिहासकार को, हम ही लोग इसी को शेयर कर करके फैलाइए, इतिहास बन जाएगा। देखिए सबसे पहले सिंह राय और बिंद राय में कन्फ्यूजन दूर हो जाना चाहिए, ठीक है। सिंह राय मान की कहाँ का ये था, मान की था सोनपुर परगना का, क्लियर, सोनपुर परगना का था, ठीक है। कैसे क्लियर, 100 से 100, ये इम्पोर्टेंट है। पूछेगा कि कोल विद्रोह में सोनपुर परगना का प्रतिनिधित्व किसने किया था, सिंह राय मान की। और देखिए बिंद राय, इसमें कन्फ्यूजन होता है ना, बिंद राय, तो बिंद राय कहाँ का था, बंद गांव का था, बंद गांव, इस गांव का मानकी था, इस एरिया का मानकी था, सिंहभूम में है ये, ठीक है, ठीक। और ये छोटा नागपुर में, ठीक है, छोटा नागपुर में। कन्फ्यूजन दूर हो गया, सिंह 100 से 100, बो से बो, क्लियर। और सुरगा मुंडा जो था ये बंद गांव का एक निवासी था, सुरगा मुंडा इस बंद गांव का एक निवासी था, क्लियर, ठीक है। अब देखिए कहानी क्या शुरू होता है, ये देखिए सिंह राय सोनपुर परगना का हेड था ना, तो सिंह राय के अधीन 12 गांव थे, 12 गांव का ये मानकी था, 7 से 12 गांव मिला के मानकी होता है, तो ये बड़ा मानकी था, 12 गांव इसके अंदर में था, तो ये 12 गांव का मालिक था तो 12 गांव पे इसका अधिकार है। तो क्या हुआ, छोटा नागपुर परगना के नया राजा बना, तो उसका भाई को भी कुछ हिस्सा चाहिए, तो उसका छोटा भाई था कुंवर हरनाथ शाही। देखिए राजा जब राजा बन गया तो अपने भाई को बोल दिया, भाई तो ये जो सोनपुर परगना है ना, इस परगना का तू राजा है, सोनपुर परगना का राजा बना दिया कि तू एक छोटा सा एरिया का तू राजा बन जा। जब हरनाथ शाही सोनपुर परगना का राजा बना तो इसने क्या किया, इसके जो बारह गांव थे वो बेच दिए। 12 गांव किसको बेच दिए, सिख सरदारों को, ठीक है, ये गांव बेच दिए। अब क्या हुआ, गांव ही नहीं बेचा, इस सिख सरदारों को, सिंह राय की दो बैचलर बहनें थी उसको भी बेच दिया, उसको भी जबरदस्ती सिख सरदारों को दे दिया और इनकी दोनों बहनों के साथ कुकर्म हुआ। तो यहाँ पे देखिए सिंह राय मान की लज्जित अपमानित हुआ और आग एक घटना हुई, इसको मतलब गुस्सा आया हुआ है। अब देखिए बिंदराय मानकी के गांव बंदगांव एरिया का सुरगा मुंडा के साथ क्या होता है, सुरगा मुंडा की सारी संपत्ति, ठीक है, जफर अली बोल के मुस्लिम छीन लेते हैं, यहाँ सिख है यहाँ मुस्लिम है, ठीक है, सिख मुस्लिम, इसलिए मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, ऐसा हमें किसी को अपमानित करने का कोई मतलब नहीं है, ये सब दिकू है, सारे दिकू है, जो दिखाता है इन लोगों को, परेशान करता है इन लोगों को, ये दिकू कहते हैं। तो जफर अली ने सुरगा मुंडा को के पूरे प्रॉपर्टी जमीन सब हड़प लिया, इसके साथ साथ इसके बीवी को अभी अपहरण कर लेता है, इसकी वाइफ का अपहरण कर लेता है और उसके साथ भी कुकर्म करता है। दो ऐसी घटनाएं घटती है, एक घटना है सोनपुर परगना छोटा नागपुर में, ठीक है, और एक बिंद राय ये वाली ये मतलब सुरगा मुंडा। तो ये घटनाएं जब घट जाती है तब देखिए, ये भी याद करने का बहुत तरीका, परगना जहाँ है वहाँ छोटा नागपुर है, सोनपुर परगना छोटा नागपुर में है और बंदगांव सिंहभूम में है,
इस पो के वजह से आप याद कर सकते हैं छोटा नागपुर में, कन्फ्यूजन एकदम दूर कर लीजिए। अब देखिए बिंदरा, इस सुरगा मुंडा का दुख सुन के इस गांव का जो मानकी बिंदराय होता है वो तमाड़ क्या करता है, तमाड़ बोल के एक जगह रांची में है, तमाड़ में एक सेफ जगह में एक मीटिंग बुलाता है उस एरिया के सारे मानकियों का, सारे मुंडाओं का, सारे सरदारों का, जो प्रतिभाशाली प्रतिष्ठित आदमी सब का मीटिंग बुलाता है तमाड़ के लंका गांव में। ठीक है, लंका गांव में मीटिंग बुला दिया दोस्तों, और सारे को ये दोनों घटनाएं बताया गया। खून तो खोलेगा ही, खून तो हमारा है, खोल रहा है तो उन लोगों का तो खोलेगा ही खोलेगा, उस समय की जब घटना हुई है तब। तो लंका गांव में ये मीटिंग बैठाता है और आंदोलन शुरू करता है। आंदोलन कैसे शुरू करता है, 700 आदमी सेना में 700 आदिवासी शामिल हो जाता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, मतलब अलग टाइप सब उरांव हो खरवार जो उस एरिया में थे यंग। अब क्या करता है, सबसे पहले सिंह राय मानकी और इसका बिंद राय मानकी तो मतलब बैक सपोर्ट में था, सिंह राय मानकी और सुरगा मुंडा को नेता बना दिया जाता है। सिंह राय पहले, सबसे पहले इस ये सिख सरदार थे ना सबको 700 आदमी मिलके सबसे पहले ये 12 गांव जो अपना था इसको अपने कब्जे में लेता है, पूरे गांव को लूटपाट करता है, गांव के सारी प्रॉपर्टी ले आता है और ये सिख सरदारों को जितने थे सारे को मार देता है, सारे को मार दिया। ठीक है, उसके एक महीना बाद ये जफर अली के ऊपर अटैक किया और जफर अली और 10 आदमी को एक साथ मार दिया गया और इसने सारे कागज उगज जला दिए, डॉक्यूमेंट जिस जो इससे जमीन हड़पा था न्यायालय की मदद से, और ये घटना मतलब चलती रही। ये दोनों को मारने के बाद जहाँ भी दिक्कू दिख रहे हैं गैर आदिवासी, मतलब जो इसको परेशान करते हैं, नॉर्मल आदमी को कभी इन लोगों ने मारा नहीं है, जो महाजन साहूकार राजा का आदमी कर्मचारी सबको मारने लगे, एकदम 2 साल तक हालत खराब करके रखी 1831-32 में। ठीक है, रामगढ़ से, रामगढ़ इसका नियरेस्ट ये था सेना का मुख्यालय, तो वहाँ से बुलाया गया आर्मी को, उसके सेना को, लेकिन उस सेना को भी लोगों ने परास्त कर दिया। तो इसको और बैरकपुर बनारस दानापुर कैंट से सिपाही मंगवाना पड़ा, तब जाके इन लोग कंट्रोल हुआ। ठीक है, तो इसमें से सारे मारे गए, सारे अंत तक लड़ाई करते रहे, सिंगराय मानकी बिंदराय मानकी और सुरगा मुंडा। तो ये स्टोरी को आप याद रखिए दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि इधर बंदगांव से किसने किसने आंदोलन किया था, बिंदराय और सुरगा मुंडा, सोनपुर प्रगना में सिंगराय और सिल्ली गाँव से, रांची का सिल्ली गाँव से बुद्धू भगत, ये चारों का नाम तो 100% याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए अब आप शेयर कर दिए इस वीडियो को कम से, और लाइक कर दिए, हमारे नाम पे नहीं, हमारे वीडियो के वजह से नहीं, तो इन वीरों के वजह से, प्लस फैला दीजिए इस ये को कि और भी आदमी जान सके इन लोग के वीरों की कथा। चलिए धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।